देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा चौथा कैंटो पहला अध्याय और 10वां श्लोक। तो इसके पहले हमने सुना कि स्वयंभू मनु के दोनों पुत्र प्रियव्रत और उत्थानपाद बड़े शक्तिशाली राजा हुए और उनके पुत्र तथा पौत्र उस काल में तीनों लोकों में फैल गए। वास्तव में हमने सुना था कि स्वयंभू मनु के काल में स्वयंभू मनु के पुत्र और पुत्रियों का हमने चर्चा सुना था, देवहूति, प्रसूति, आकुति और उनके फिर आगे के उन्होंने कैसे कैसे शादी करी। हाँ, और शादी से कैसे हमने कर्दम मुनि और देवहूति के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। हाँ, तो उसके बाद हमने सुना था कैसे दक्षिणा के साथ विवाह, यज्ञों के स्वामी भगवान ने दक्षिणा के साथ विवाह किया। ये सब हमने चर्चा सुनी थी, आगे की कहानी हम जारी करते हैं। देवहूतिमादात तात कर्दमाया आत्मजाम मनु तत्संबंधी शतप्रायम भवता गदतः पमम। हे पुत्र, स्वयंभू मनु ने अपनी परम प्रिय कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को प्रदान किया। मैं इसके संबंध में तुम्हें पहले बता चुका हूँ और तुम उनके विषय में प्रायः पूरी तरह से सुन चुके हो। आगे, दक्षाया ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनु प्रायच्छत यत्कुतः सर्ग त्रिलोक्याम वितता महान। स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक अपनी कन्या ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दे दी, जो कि प्रजापतियों में से एक थे। दक्ष के वंशज तीनों लोकों में फैले हुए। अब प्रजापति का मुख्य काम क्या होता है, इनका नाम क्यों होता है प्रजापति? बिकॉज अल्टीमेटली दे आर वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि संसार को जीवात्माओं से भरो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक सिस्टम बना दिया, भगवान ने उनको ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा जी ने कंपनियां खोल दी। अब उन कंपनियों में रिक्रूटमेंट होनी है और वो रिक्रूटमेंट का काम जो है ना वो है प्रजापति। तो ये वास्तव में इधर उधर से रिक्रूटमेंट कर नहीं पाते, ये खुद से ही प्रजनी, ये खुद से ही संतानें उत्पन्न करते हैं और इसलिए इनकी एक 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 पत्नी से इनकी कई 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 संतानें होती हैं। हाँ, तो क्योंकि इनका काम ही मुख्य रूप से ये है। लेकिन काम केवल ये नहीं होता है कि बच्चे पैदा किए जाए, उन बच्चों को संस्कार दिए जाएँ। इसलिए अक्सर आप देखेंगे कि दक्ष ने भी अपने पुत्रों को ये सिखाया कि तुम पहले तपस्या करो और उसके बाद में तुम शादी करो ताकि तुम समझ सको कि शादी का पर्पज़ क्या है। तो ये सब तो था ही वहाँ पर, दैट वॉज गिवन। तो बता रहे हैं कि दूसरी बेटी प्रसूति का विवाह हुआ पर एक और प्रजापति, दक्ष प्रजापति, तो उन्होंने उनको दक्ष प्रजापति शादी करी। या कर्दम सुता प्रोक्ता नव ब्रह्म ऋषि पत्नयः तासाम प्रसूति प्रसवम प्रोच्यमानम निबोध में। मैं तुम्हें कर्दम मुनि की 9 कन्याओं के विषय में पहले बता चुका हूँ। आप जानते ही हैं कि देवहूति से 9 कन्याएं होती है, ब्रह्मा के सारे पुत्र थे 9 ऋषि। हाँ, उन 9 ऋषियों से उनका विवाह हो गया था, आप जानते ही हैं, और 10वें थे उनके पुत्र कपिल भगवान। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं, बता रहे। अब मैं इन 9 कन्याओं के संतानों का भी वर्णन करूंगा, तुम मुझसे वो सुनो। अब देखिए, कोई बनावटी कहानी हो तो इस कहानी में क्या इंटरेस्ट है भैया? क्यों बता रहे हो उनकी पत्नियों उनके बच्चों की कहानी, हमें क्या करना है? लेकिन घटना होती है ना रियल, जैसे हम कई बार पारिवारिक उसमें बैठे होते हैं, अच्छा उस दादाजी के 2 बेटे हुए थे, उनके ये हुए थे, उनके ये हुए थे, हम चर्चा करते हैं ना। इट्स अ रियलिटी जिसके बारे में डिटेलिंग करी जा रही है, बस दैट्स इट। पत्नी मरीचे तू कला सुषुवे कर्दम आत्मजः कश्यपम पूर्णिमानम च ययो आपूरितम जगत। कर्दम मुनि की पुत्री, कर्दम मुनि की पुत्री कला का ब्याह मरीचि से हुआ, जो हमने उस वक्त चर्चा करी थी कि 9 पुत्रियों का विवाह किन किन ऋषियों से हुआ था, ब्रह्मा जी के पुत्रों से। तो यहाँ बता रहे हैं कला का विवाह मरीचि से हुआ, जिसमें 2 संतानें उनकी हुई, एक कर्दम के पोतियाँ हुई, जिनके नाम थे कश्यप तथा पूर्णिमा। इनकी संतानें सारे विश्व में फैल गई, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्दम मुनि को भी इसी तरह से समझ सकते हैं प्रजापति जैसे, क्योंकि उन्होंने भी विवाह इसलिए किया कि अल्टीमेटली ऐसी संतान हो, कपिल भगवान जैसी संतान हो और आगे संसार में शुद्ध संतानें पैदा हों, ये संसार का कल्याण हो। पूर्णिमा असुत विरजम विश्वगम च परंतप देवकुल्याम हरे पाद शौचात या अभूत सरिता दिव। हे विदुर, कश्यप तथा पूर्णिमा नामक 2 संतानों में से पूर्णिमा की 3 संतानें हुई, जिनका नाम था विरज विश्वग तथा देवकुल्या। इन तीनों में से देवकुल्या श्री भगवान के चरण कमल को धोने वाला जल थी,
जो बाद में स्वर्ग लोक की गंगा में बदल गई। ये गंगा जी का भी इतिहास आ गया। देखिए इसमें देवकुल्या गंगा नदी की प्रधान विग्रह है, जो स्वर्ग लोक में से इस लोक में आती हैं, क्योंकि वह भगवान हरि के चरण कमलों का स्पर्श करती हैं। तो ये है देवकुल्या। ठीक है, ये नाम अगर याद भी नहीं रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी मस्ट लिसन टू, बिकॉज ये जो है ना अपने आप में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और सभी की कथाएं जरूरी नहीं है भागवतम में मिल जाए। हाँ, क्योंकि भागवतम को जब बताया जा रहा था तो समय बड़ा कम था, आप जानते ही हैं, परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन थे, और इतनी चर्चाएं थी, इतनी चर्चाएं थी, जैसी हम तो ये जो चर्चाएं हैं, हम लोग इसको चर्चाओं को सालों से पढ़ रहे हैं, फिर भी हम चौथे कैंटो पे पहुंचे हैं। अब सोचिए 7 दिन, हाउ लेस टाइम इट वॉज, तो हर चीज़ को के उसमें नहीं गजा पाए। अत्रे पत्नी अनसूया त्रीन यज्ञे सुयशसा सुतान दत्तम दुर्वाससम सोमम आत्म ईश ब्रह्म संभवान। अत्रि मुनि की पत्नी अनसूया, हाँ, जिसके बारे में आप रामायण में भी सुनते हैं। देखिए कैसे कहानियाँ कहाँ से कहाँ मैच होती हैं। रामायण में आपने सुना किस प्रकार से वनवास के समय पे भगवान राम सीता के साथ अत्रि अनसूया से मिले। अनसूया ने सीता मैया को ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया, कुछ ज्वेलरी दी, हाँ, बहुत कुछ दिया, और सीता ने उनसे समझा कि कैसे एक पत्नी को रहना चाहिए, क्योंकि सबसे समस्त पतिव्रता स्त्रियों में अनुसूया भी आती है। हाँ, बहुत कथाएं उनके बारे में फेमस हैं, बहुत, शी वॉज़ ए पावरफुल लेडी, एंड शी वॉज, वो इतनी पावरफुल क्यों थी, अपने पतिव्रता व्रत के कारण वो इतनी पावरफुल थी। तो अत्रि मुनि की पत्नी अनुसूया ने 3 सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए, ये हैं सोम दत्तात्रेय तथा दुर्वासा, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के अंशावतार थे। सोचिए कितने बड़े बड़े नाम हैं। हाँ, दत्तात्रेय सोम, जो कि सोम दत्तात्रेय तथा दुर्वासा। दुर्वासा जी की कथाएं तो आपने आनंद सुनी है, आप जानते हैं दत्तात्रेय जो कि भगवान के अवतार माने जाते हैं, सोम जो कि चंद्र, हाँ, यहाँ बता रहे ब्रह्मा विष्णु शिव के, सोम को चंद्रलोक का भी माना जाता है। तो सोम ब्रह्मा के दत्तात्रेय भगवान विष्णु के तथा दुर्वासा शिव जी के अंश प्रतिनिधि स्वरूप थे। तो अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया उनके बारे में बता रहे। विदुर ने बोला आगे, विदुर उवाचा अत्रेय गृहे सुरश्रेष्ठा स्थिति उत्पत्ति अंत हेतव किंचित चिकीर्षव जाता एतत् आख्या ही मे गुरौ। यह सुनकर विदुर ने मैत्री से पूछा, हे गुरु, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जो संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा पालक संहारक हैं, अत्रि मुनि की पत्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा, सुशीला प्रभात भी समझा रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु जो, और जो यहाँ पर शिव हैं, ये भी अल्टीमेट कंट्रोलर नहीं है, ये तीनों ही अल्टीमेट कंट्रोलर नहीं है। पहली बात तो ब्रह्मा तो जीव तत्व हैं, जिसमें कि मैक्सिमम जीव एक लेवल तक ही बढ़ सकता है, जो मैक्सिमम जीव का लेवल है वो ब्रह्मा जी है। जीव मैक्सिमम उठकर ब्रह्मा जी तक पहुँच सकता है कि नहीं। तो बता रहे हैं कि विष्णु तत्व में 94, शिव तत्व में 84, ब्रह्मा में 78 तथा अन्य जीवात्मा में ब्रह्मा के समान 78% प्रकाश रहता है। हाँ, सो प्रकाश, ओरिजिनल प्रकाश, जैसे कई बार हम कहते हैं ना, एक ओरिजिनल कैंडल जलाई, उसे दूसरी कैंडल जलाई, उसे तीसरी कैंडल जलाई, तो सेम कैंडल है वो, तो क्या है, विष्णु का एक्सटेंशन है, भगवान का ही एक्सटेंशन है। लेकिन जब जीवात्माएं हैं उसमें सेम प्रकाश नहीं होता है, उसमें आंशिक प्रकाश होता है। हाँ, और ये आंशिक प्रकाश सबसे कम जीवात्माओं में जो बहुत मैक्सिमम प्रकाश हो सकता है वो है ब्रह्मा, और शिव जी में और ज़्यादा, और विष्णु इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट द सेम लाइक कृष्णा, बट स्टिल नॉट द सेम। कृष्णा इज कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, तो उसमें बता रहे कि ये तीनों जो है, ये तीनों अत्रि मुनि सो कैसे, अत्रि मुनि अपने आप में इतना, हमने सुना कि पतिव्रता स्त्री थी, ये तीनों के अंश कैसे अत्रि मुनि, अत्रि और अनुसुईया के हुए। मैत्री उवाच, मैत्री मुनि ने कहा, ब्रह्मणा चोदितः सृष्टौ अत्रि ब्रह्म विदाम्वरः सहपत्नया ययो ऋषम ऋक्षम कुल अद्रिम तपसि स्थितः। मैत्री ने कहा कि अनुसुईया से विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए आदेश दिया, तो वह अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए ऋक्षक नामक पर्वत की घाटी में गए। अब ये आप देखेंगे, हमेशा जब भी कोई बड़ा काम करना हो तो ये लोग तपस्या करके अपने मन को नियंत्रण करते थे पहले, और उसको भगवान में केंद्रित करते थे, यानी कि आंतरिक शुद्धता हो जाए, उस शुद्ध मन से ही कोई काम करेंगे तो अच्छा होगा।
उसी तरह से संसार में भी लोग कुछ करने जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं। ऑल दो अब ये एक फॉर्मेलिटी सा हो गया है, क्योंकि कोई भी पाठ कोई भी खत्म कराते हैं तो वास्तव में वो शुद्धिकरण के नाम ले ना के थोड़ा सा डर भी है। मन की शुद्धि कितनी होती है तो क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा, है कि नहीं? याद कि हमारे जो 10 संस्कार है उसमें वन ऑफ द संस्कार इज गर्भदान संस्कार। इवन गर्भदान यानी कि मेटिंग, हाँ, एक स्त्री पुरुष जब मेट करते हैं उससे भी पहले मन को शुद्ध करना पड़ता है। अब आजकल तो मन को अशुद्ध करा जाता है पहले ढंग से, उसके बाद बच्चा पैदा होता है कि नहीं? ढंग से आदमी अशुद्ध करता है मन को, मेडिटेट करता है, चिंतन करता है, जबकि शास्त्र बताते हैं कि आपको तपस्या करके मन को पहले शुद्ध करना है और तब ये कार्य करना है। इसीलिए अवांछित संतानें पैदा हो रही हैं, उनके अंदर इतने गुण नहीं देखे जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इनको बोला गया संतान के लिए तो पहले इन्होंने कठोर तपस्या करी और ऋषक ऋषक नामक पर्वत की घाटी में चले गए। तस्मिन् प्रसून स्तबक पलाश अशोक कानने वार भी स्त्रवद्भि उद्दृष्टे निर्विंध ध्याया समन तथा। उस पर्वत घाटी में निर्विंध्या नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक अशोक के वृक्ष तथा पलाश पुष्पों से लदे अन्य पौधे हैं। वहां झरने से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। वे पति तथा पत्नी ऐसे सुरम्य स्थान में पहुंच गए। अब आजकल ऐसी स्थान पर चले जाओ जहाँ नदी बह रही है, अच्छी सी घाटी है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो आप थोड़ी देर चलोगे तो वहाँ कोई शराब की बोतल, बियर की बोतल पड़ी भी मिल जाएगी। क्योंकि इन जगहों का मतलब है कि कैसे आदमी कितना इन जगहों में, जैसे आपने सुना ही होगा ना कि पहाड़ों की तरफ जाते थे लोग पहले तपस्या करने, क्योंकि वहाँ लोग डिस्टर्ब नहीं करते थे और ठंड ज़्यादा है, सुविधाएं नहीं है, दुकान नहीं है, तो आराम से ध्यान लगाना है। और यहाँ तो शहरों में तो इधर मॉल है, इधर दुकान है, हाँ, लेकिन आप वहाँ पे भी जाओगे। हाँ, अब हम देखते हैं वहाँ जाते हैं जब बद्रीनाथ के साइड में, हाँ, आपने सुना ही है, वो आखिरी गाँव, हाँ, उस गाँव के अंदर क्या क्या फेमस है? चाय की दुकान। आपको चाय मैगी किसी भी जगह पर मिलेगी, कहीं पर भी, और शराब, चाय शराब की वैरायटी बदल जाए, तो आदमी ऐसी जगहों पे इंजॉय करने का प्रयास करता है। तो ये ऐसी जगह पर पहुंचे थे, लेकिन ये वहां पर तपस्या करने पहुंचे थे। प्राणायामेन संयम्य मनः वर्ष शतम् मुनि अतिष्ठत एक पादेन निर्द्वंद्व अनिल भोजन। वहां पर मुनि ने यौगिक प्राणायाम के द्वारा देखिए अपने मन को स्थिर कर दिया, और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। तो पहली बात तो 100 सालों तक इन्होंने कुछ खाया ही नहीं, केवल हवा पे रहे। एंड इट वॉज पॉसिबल, ह्यूमन शरीर के अंदर अनलिमिटेड कैपेसिटी है। तो आजकल के योगी भी कर लेते हैं, आजकल भी ये सिद्धताएँ हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं लोग, ऑल दो उम्र इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कई योगी ऐसे हैं जो अपने आज भी हिमालय में उधर और कई जगह, बिल्कुल ऐसी जगहों पे ये लोग मिलेंगे जहाँ लोग नहीं मिलते हैं, जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं, अक्सर बहुत बर्फीली जगहों में वो लोग ऐसा योग कर रहे हैं। ऑल दो इसे घबराने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसा कर पाएंगे, क्यों कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं योगी नाम अभी सर्वेशम मदगति अंतरात्मा, जो मुझे मेरा निरंतर ध्यान करता है, मेरे लिए जीता है, मेरे लिए कर्म करता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो भक्ति योगी को इतनी कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये हम सतयुग वगैरह की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर तो यही समय था योग का, हाँ, साधना का, मतलब ध्यान का। तो उन्होंने प्राणायाम के द्वारा, यानी कि प्राणायाम का देखिए मुख्य पर्पज यहाँ पर यही निकल के आता है, धीरे धीरे सांसों को कंट्रोल करके, स्लो, हाँ, वी स्लो डाउन, हाँ, ताकि हमारा मन धीरे धीरे कंट्रोल में आए, मन को स्थिर किया, आसक्ति को संयम में ले आए और 100 वर्षों तक एक पाँव पर खड़े रहे। हाँ, ऑल द पर्पज ऑफ ऑल दिस इज कि एक सोचिए संतान पैदा करने के लिए इतना कुछ करना हो तो हम लोग तो विड्रॉ ही कर जाए। इसलिए कलयुग में श्रील प्रभुपाद ने बताया कि आपको अधिक से अधिक, कई बार प्रभुपाद ने बोला कई जगह पर कि 50 माला कीजिए ऑन दैट डे, और भी कुछ प्रोसेस बताए गए इफ़ यू वांट दैट। तो इतना मुश्किल तो नहीं रहा, इतना कुछ तो नहीं करना है। कलयुग में समय कम है, बुद्धि कम है, बल कम है, तो इसलिए उसका प्रोसेस भी थोड़ा छोटा है, बट एटलीस्ट वी शुड ट्राई बिकॉज इट इज़ अ संस्कार। हाँ, ये भी एक प्रोसेस है, डिवाइन प्रोसेस है। भगवान गीता में इसलिए कहते हैं कि यदि मेल फीमेल का जो मेटिंग भी है
वो भी क्या है, एक दिव्य वस्तु है यदि वो शास्त्रों के अनुसार की जाए। इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर ये सही मन चेतना के साथ की जाए तो इट्स अ डिवाइन थिंग। इसलिए एक गृहस्थ जो कि इस प्रकार से जीता है वो भी ब्रह्मचारी सन्यासी माना जाता है, ना कि वो गृहस्थ जो भोगने के लिए जीता है। तो यहाँ पर बहुत ही अब इस तपस्या से आगे क्या होगा, क्या इसका रिजल्ट होगा, बहुत सारी कथाएं चर्चाएं अब इस कैंटो में आने वाली है। हम ध्यान से सुनेंगे और मन लगा के सुनेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। यस, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स?